अपनी वाइफ को कहना कि मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, आई केयर फॉर यू, वो केयर नहीं होता. बच्चे की हर प्रॉब्लम्स को जब अपनी वाइफ फेस करती है, उसके साथ खड़े होना, इक्वली उसके पास बैठना, उसे सपोर्ट कहते हैं. अरमान, आई रियली होप एंड विश कि आप इस बात को समझें. सौम्या, ऐसे नहीं बोलना चाहिए. एनीवे, अभी मेरा रूम तो बिजी होगा, मैं गेस्ट रूम में जाके नहा लेता हूँ, मुझे जाना भी ऑफिस. प्रिशा, कैन आई यूज योर वॉशरूम? क्या टाल भिजवा देना प्लीज. हाँ. सौम्या, ठीक हो ना तुम? इतना स्ट्रेस लेना, गुस्सा होना इस हालत में बच्चे के लिए ठीक नहीं है. सौम्या, रेस्ट करो. मैं गुस्सा नहीं होना चाहती. और तारा भाभी, अरमान मेरी प्रॉब्लम क्यों नहीं समझ रहे? उन्हें क्यों नहीं समझ आता तारा भाभी के प्रेगनेंसी के टाइम पे एक वाइफ को अपने हस्बैंड से थोड़ा सपोर्ट, थोड़ा प्यार और थोड़ी हेल्प की जरूरत होती है. और अगर मैं ये सब मांग रही हूँ, उनसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ, तो इसमें गलत हूँ क्या मैं? नहीं. तुम बिल्कुल भी गलत नहीं हो सौम्या. यू नो, आई रेड समवेयर, ये जो प्रेगनेंसी का पीरियड होता है ना, ये हस्बैंड एंड वाइफ के लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टाइम होता है. लुक, आई नो ये जो भी चेंजेस हो रहे हैं तुम्हारे लिए बिल्कुल नए हैं, राइट? बट जीजू भी तो ये सब कुछ फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना. प्रिशा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा ये जो हो रहा है मेरे बॉडी में, मेरे साथ ये बॉडी पेन, पैर में सूजन, स्मेल से नौशिया होना, मूड स्विंग्स विच आई डोंट, ये सब कुछ नेचुरल है, मेरे कंट्रोल में नहीं है ये सब कुछ. अरमान को ये सब क्यों नहीं दिखाई दे रहा? अरमान खुद अपने टीवी सीरियल्स में दिखाते हैं कि एक प्रेग्नेंट वाइफ के साथ कितना कुछ होता है. हम खुद इन जनरल देखते हैं, सुनते हैं इसके बारे में कि एक प्रेग्नेंट लेडी को कितनी प्रॉब्लम होती है, कितनी बॉडी सफरिंग होती है. तो वो क्यों नहीं समझ रहे मेरी प्रॉब्लम? तारा भाभी, आप ही समझाइए इसे. अरे, टीवी सीरियल और रियल लाइफ में फर्क होता है. देखो, टीवी सीरियल्स में तो स्क्रिप्ट में जो लिखा होता है एक्टर्स को बोलना ही पड़ता है ना, अब उनका मन हो बोलने का या ना हो. तुम मुझे समझने के बजाय अपनी जीजू की साइड ले रही हो. नहीं, मैं बिल्कुल भी उनकी साइड नहीं ले रही हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हें समझा रही हूँ. देखो, तुम्हारे और जीजू के बीच का जो रिश्ता है ना, जो इतना प्यारा सा रिश्ता है, मैं नहीं चाहती कि इन छोटी छोटी चीजों की वजह से उसमें प्रॉब्लम्स आए. अब मैंने तुम्हें समझा दिया ना, अब मैं जाके जीजू को समझाऊंगी. आई फॉरगॉट, टाल्स कहाँ पे रखे हैं? मुझे जाके जीजू को टाल देना है. भाभी, जीजू, मैं ताल लेके आई हूँ. आई एम श्योर प्रिशा, तुम मेरे पास आओगी अब और कहोगी आई एम सॉरी, मुझे आपकी पसंद के कपड़े पहनने चाहिए थे. आई एम रियली सॉरी. जीजू, ताल. नो प्रिशा, इतनी आसानी से तुम्हें मेरा अटेंशन नहीं मिलेगा, थोड़ा ईगो तो मुझे दिखाना पड़ेगा. सौम्या, तुम सुनो, फिर से झगड़ा हो जाएगा तो मैं प्रिशा, मैं वाइफ हूं, मुझे गुस्सा दिखाना और प्यार दिखाना दोनों अच्छे से आता है. तुम जाओ जाओ जाओ. ओके. Okay.
टॉवल। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.